Ram 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 Hari Hari,
हृदय से आशीर्वाद दे रहे थे। बोले बेटा तुम्हारी खूब कृष्ण भक्ति हो, हैं, खूब तुम्हारी कृष्ण भक्ति हो, तुम्हारी हृदय में भगवान की प्रकाश हो। इतने में भक्त जब आशीर्वाद दे रहे थे, महाप्रभु भी वो आशीर्वाद को सर नीचा करके भक्तों का आशीर्वाद को ग्रहण कर रहे थे। अभी पहले हम लोग श्रवण कर रहे थे और जितने भक्त लोग खुश हो गए, क्यों, अभी निमाई पंडित अभी हमारी दल में आ गया, अभी कोई चिंता नहीं, अभी तो ये पाषंडियों को छक्का छुड़ा देंगे, पाषंडियों को हम देख लेंगे, मन की धरा दे, इसलिए पाषंडियों को हम देख लेंगे, पाषंडियों को। इसलिए यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, बोले भक्त दुख प्रभु कभी सहित ना पारे, भक्त लागी सर्वत्र कृष्ण रे अवतरे। यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं भगवान सब चीज को सहन कर सकते हैं, लेकिन भक्तों का दुख कभी भगवान सहन नहीं कर पाते। इसलिए भगवान जगत में क्यों आते हैं, बोले परित्राण आय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी। भगवान केवल भक्तों को रक्षा करने के लिए, विरह दुख से दूर करने के लिए, धर्म को स्थापन करने के लिए भगवान जगत में आते हैं। देखो जो भक्त है ना, इसलिए भक्त बनना बड़ा सख्त है, भक्त बनना बड़ा सख्त है। हम जितने आसानी समझ रहे हैं ना, बस हमने सोचते हैं शायद गला में कंठी पहन लिया, तिलक लगा लिया, थोड़ी सी माला जप कर लिया, हम तो भक्त हो गए, हम भक्त हो गए। इसलिए हम भगवान की चरण में कितने हम समर्पित है भगवान के चरण में, और हमारे अंदर में भगवत जो आवेश है, भगवान के प्रति जो हमारी आवेश कितना दूर है, उसको ऊपर में निर्भर करता है, हैं? उसको ऊपर में निर्भर करता है। अगर ऐसे हम सही से भक्त बनेंगे ना, भगवान स्वयं कहते हैं, कहते भक्त दुख प्रभु कभी सहित ना पाए। भगवान कहते हैं अगर मेरे हाथ कभी अगर भक्तों का विरोध में जाएगा, मैं अपना हाथों को काट, मैं अपना हाथों को भी मैं नहीं रखूंगा, हाथों को भी मैं काट दूंगा, है। इसलिए अभी हम लोग बाद में सुनेंगे, इसमें कथा आता है जिस समय श्रीवास पंडित है, जिस समय से श्रीवास पंडित प्रकट हुए, महाप्रभु प्रकट हुए, और ये श्रीवास पंडित वो लोग चार भाई थे, कितने भाई थे, चार भाई, और उनका पत्नी बच्चे, ये क्या करते थे, दिन भर घर में बैठ करके कोई काम धाम नहीं, मृदंग ले लेते और मजरा ले देते, पूरा के पूरा परिवार पूरा बैठ जाते थे, बैठ करके 24 घंटा में 24 घंटा क्या करते थे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जब हरि नाम करते थे, अभी जो गांव के लोग थे ना, बोले ये श्रीवास पंडित ये जितना बदमाश का यही जड़ है, ये गांव का पागल हो गया, यही पूरा गांव को सत्यानाश कर दिया है, गांव को उसने सत्यानाश कर दिया, ये चारों के चार घर में तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं, हाँ भूख को मार रात भर मृदंग मजरा लेकर के रात भर दिन भर कीर्तन कीर्तन सोने नहीं देते हैं, ये चातुर्मास चल रहा है और चातुर्मास में भगवान
शयन करते हैं, भगवान क्या करते हैं, बंद कर उसको, इसलिए उन्होंने शयन करते हैं भगवान। और ये रात में भी कीर्तन करते हैं। अगर रात में अगर कीर्तन करेंगे ठाकुर सोएंगे कैसे, अगर ठाकुर का नींद नहीं आएगा, कीर्तन करते हैं ठाकुर सो नहीं पाएंगे, ठाकुर जी को नींद नहीं आएगा। अगर ठाकुर जी नाराज हो गए ना, फिर क्या होगा, दुर्भिक्ष बढ़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। अगर इस बार अगर खेती में थोड़ी इधर उधर हो, कमी हो ना, फिर इनको ना पकड़ करके पिटाई धुलाई करेंगे इन लोगों को सबके सब। ये पूरा गांव की सत्यानाश कर दिया ये है गांव के। कहती किसका बुद्धि, जितने पाखंडियों का बुद्धि। अगर कोई शराब पिए ना है, सिगरेट फूके, वेरी गुड, बढ़िया कर रहे। लेकिन गांव में थोड़ा तिलक कंठी माला लगा दिया ना है, अगर तिलक कंठी बोली ये सब क्या है, ये सब कौन सा बीमारी कहाँ से आ गया, ये चोटी क्या है, एरियाल है तुम्हारे हैं। तिलक लगा दिया तो तिलक लगा दो, बंगला में कहते बंगला क्या टाटी कर दिया सर है, कंठी पहन लिया तो भाई भैया लकड़ी, ये लकड़ी गले में क्यों डाल दियो, ऐसे ऐसे ये सब पाखंडी, ये सब लोग सबके सब ये सब के सब पाखंडी लोग है हैं। इसलिए कहते इनको सब ये कर देंगे। इतने में एक खबर आ गया, क्या खबर आ गया, भले राजदूत आएंगे हैं, राजदूत आकर के ये श्रीवास पंडित को पकड़ करके ले जाएंगे, इनको ले जाएंगे और इनको अच्छे तरह से शास्ता होगा, दंड होगा, मिलेगा इनको। अभी श्रीवास का कान में पड़ा, ये राजदूत आकर के हमें पकड़ करके ले जाएगा, अगर भक्तों को ऊपर कोई विपत्ति आ जाए फिर भक्त कहाँ पर जाते हैं, भगवान नरसिंह देव के पास में जाते हैं, क्योंकि नरसिंह देव क्या करते हैं, भक्तों को यही रक्षा करने वाले, जैसे प्रहलाद को रक्षा किया, नरसिंह देव को रक्षा करते हैं। इतने में नरसिंह भक्त श्री श्रीवास पंडित नरसिंह देव का मूर्ति रख करके उनके एकदम पूरा जितने नरसिंह देव को पूजा करने के लिए तुलसी चंदन अंगूर कर्पूर सबके सब थाली में सजा करके उन्होंने बस नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाज दाहिने हिरण्यकशिपुर भक्षः शिलाटंकन कालये नृसिंह भरत नृसिंह जत जत जामि ततो नृसिंह हृदय नृसिंह बाहिर नृसिंह नृसिंह मति शरणं प्रपदे नव कर कमल बरे नाथा अद्भुत सिंह दलिता हिरण्यकशिपु नर हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। अभी श्रीवास पंडित जी नरसिंह देव को पूजा करना शुरू कर दिया। इतने में श्री चैतन्य महाप्रभु स्नान करके और अच्छे तरह से महाप्रभु श्रृंगार करते हुए हैं नगर में भ्रमण करते करते सीधा श्रीवास पंडित के घर में आए। श्रीवास पंडित क्या कर रहे थे, दरवाजा बंद करके नरसिंह देव को पूजा कर रहे थे। उन्होंने मार लाठी मार दरवाजा खोल गया, खुल गया, देखा श्रीवास पंडित जी श्री नरसिंह देव को पूजा कर रहे थे। महाप्रभु का श्रीवास क्यों नृसिंह देव को पूजा कर रहे हो, तुमको पता चला राजदूत आकर के नाव लेकर के आएगा और जितने भजन करने वालों को पकड़ कर ले जाएगा, इसलिए चिंता मत करो। देखो महाप्रभु बहुत बड़ी बात कहते हैं, महाप्रभु यहाँ पर बहुत बड़ी बात कहते हैं, बोले अनंत ब्रह्मांड माझे जत जीव वैसे सवार प्रेरक आमी अपनार रसे मोहि जति बोलाऊ सही राजार शरीरे तबे से बोली वे सही धरिवार तरे। यहाँ पर बहुत एक अच्छी बात कह रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं बोले अनंत ब्रह्मांड माधे जत जीव वैसे कहते सवार प्रेरक आमी अपनार रसे का जगत में जितने
अनंत ब्रह्मांड जो जीव इस जगत में निवास करते हैं, कहते जीव जीव जो बैठते हैं उनका हृदय में प्रेरणा करने वाले कौन है? हृदय सबका हृदय में प्रेरणा करने वाले मैं ही प्रेरणा करने वाला हूँ। हम अपना रसे मुई यदि बोलाऊ सही राजा शरीर, अब तुम बोल रहे हो ना राजा दूत राजदूत आकर के जितने भजन करने वालों को पकड़ कर ले जाएगा, तुम ये बोल रहे हो ना। इसलिए यहाँ महाप्रभु मुई यदि बोलाओ सही राजा शरीर, अगर हृदय में मैं ही बैठा हूँ ना परमात्मा रूप में, जब तक उसका हृदय में मैं प्रेरणा नहीं दूंगा राजा कैसे बोलेगा जी तुझको पकड़ कर लेगा? प्रेरणा दे नहीं सकता, क्यों? हृदय में बैठा मैं हूँ, बैठा हृदय में मैं हूँ। इसलिए तबे से बोली ते सही धरिवार तरे, तभी तो राजा बोलेगा ना जाओ इतने भजन करने वालों को पकड़ कर ले आओ, है जेल में बंद कर दो। बोलने वाला था हृदय में मैं हूँ, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक कोई नहीं बोल सकता है। तब उन्होंने महाप्रभु बोले श्रीवास अगर कोई पकड़ने के लिए आए ना सबसे पहले मैं जाऊंगा राजा के पास, मैं राजा के पास में जाकर बोलूंगा जाओ तुम्हारे अंदर क्या शक्ति, तुम्हारे हाथी घोड़ाओं को बुलाओ, जितना हाथी घोड़े जानवरों को बुलाओ, और तुम्हारा जो कलमा है ना इनको मुंह से तुम उच्चारण कराओ, हम देखते हैं कैसे तो करा सकते हो। तुम्हारा अपना कुरान को उच्चारण कराओ, अगर नहीं बुला पाएगा तो मैं तुमको दिखाऊंगा हाथी घोड़े जानवर को मुंह में मैं अपना हरे कृष्ण महामंत्र को बुला कर दिखाऊंगा। इसलिए महाप्रभु जब झाड़ी खंड में जा रहे थे, महाप्रभु ने क्या किया, शेर लेटा हुआ एक लात मार दी, बोला हरे कृष्ण। शेर ने क्या किया, हाथ उठा कर हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हाथी सो रहा था हैं हाथ लगाया, बोला हरे कृष्ण, बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहां पर जो सांप लेटा हुआ था ना, सांप भी हरे कृष्ण, अभी सब चिन्ह है हैं, अभी चिन्ह है। हमारे दिजो प्रभु वहां पर इस बार ऑस्ट्रेलिया के भक्त लोगों को लेकर गए थे, अभी तो मैं नहीं जा पाया, होगा तो हम लोग एक बार जाएंगे हैं। जिस झारखंड में अभी भी जानवर का शेर का हाथी का सांप जो लेटा हुआ था महाप्रभु का प्रेम में, वो भी उन्माद हो गई। अभी जो सांप लेटा हुआ था उसका चिन्ह एकदम पूरा पत्थर पिघल करके हैं, पत्थर पिघल करके सबके सब वहां दाग हो गया, अभी भी चिन्ह पड़ा हुआ है, अभी वो चिन्ह है। इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, उनके हृदय में भी भगवत भक्ति को संचार कर दी। इसलिए महाप्रभु कहते हैं मैं बोलूंगा तुम्हारे हाथी घोड़ा को बुलाओ, देखो हम कैसे उनको मुंह में मैं भगवान का नाम उच्चारण कराऊंगा, प्रमाण देखोगे। इतने में श्रीवास पंडित की एक भाई का बेटी का नाम थी नारायणी, 5 साल की लड़की थी, बोले नारायणी इधर आओ बोलो तो कृष्ण, कृष्ण बोल करके रो तो, इतना बोलते 5 साल की लड़की थी। महाप्रभु बोलते क्यों, भगवान ही सबका हृदय में अंतर्यामी रूप में भगवान बैठे, ठाकुर जी बैठे। जब उन्होंने बोले है ना, इतने में नारायणी तो जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 रोने लगे। और उनकी बेटा हुई, बेटा कौन हुए, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने ये श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ जिन्होंने रचना की है, चैतन्य भागवत ग्रंथ। इसका तात्पर्य यहाँ पर कह रहे हैं सभी का हृदय में बैठने वाले कौन हो, कहते मैं ही सभी का हृदय में मैं ही बैठा हुआ हूँ हैं। इसलिए जब तक मैं नहीं किसको बुलवाऊंगा, इसलिए कह रहे हैं भक्त दुख प्रभु कभी सहित ना पाए, भक्तों का दुख कभी भगवान सह नहीं कर सकते, लेकिन भक्त बनना बड़ा सख्त है। जितने हम आसानी समझते हैं ना भक्त बनना है, आसानी भक्त जगत में भक्ति सबसे आसानी है, इससे आसान तो कुछ है नहीं। जगत में सबसे आसान हो तो भक्ति है, और जगत में अगर भक्त कष्ट दुर्लभ ही हो भक्ति, भक्ति आसानी है, इससे और कोई चीज नहीं। कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्त है प्रचंड, भक्त मेरे को भक्ति पूर्वक पत्र पुष्प फल जो मैं ग्रहण कर लेता हूँ है, श्रवणम कीर्तन। कहते नौ तरह का क्या, एक तरह का भक्ति अगर मेरे को कोई भक्ति पूर्वक कर दे उससे भी मैं बसीभूत हो जाऊंगा।
आसान ही सरल है। और भक्ति इतना सरल है ना कि तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं, लेकिन कहते मन मन में भी कुछ दे दो उसमें खुश। एक छोटी स्टोरी सुन लो, इस स्टोरी को याद कर लेते। कहते एक समय कोई एक ब्राह्मण था, भक्त था, वो कहीं कथा सुन रहा था। कथा सुनते सुनते उन्होंने सुना ठाकुर जी कहते हैं अगर किसको पास में कुछ भी नहीं हो, हैं कुछ भी नहीं हो, अगर मन मन में भी मेरे को कुछ दे देना इसमें मैं खुश हो जाता। ब्राह्मण बेचारा था गरीब लेकिन भाव बहुत था, हैं अब देखना जिसको पास में ज्यादा गरीबी होना जितना पैसा नहीं उसको अंदर ज्यादा भाव होता है, लेकिन जिसको भगवान दे देते हैं ना फिर तो भगवान की सेवा पूजा में नहीं दे, एक पैसा भी निकलना कठिन है, हैं निकलना कठिन है, फिर उसमें आसक्ति ज्यादा हो जाती है। इतने में उसने भगवान उनने सुना भगवान कहते हैं अगर तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं हो, अगर मन मन में भी कुछ मेरे को दे दो ना उससे मैं खुश हो जाता हूँ। अभी उसने सुनकर बड़ा खुश हो गया। ठाकुर जी कहते मन मन में भी दिल में खुश हो जाता हूँ। बस वो घर में गया, घर में जा करके ना क्या करता है रोज आसन बिछा कर बैठता है, नहा धो करके बैठ जाएगा, बैठ करके मानस की सेवा करता है, ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानस करेगा। महाप्रभु बोले ना किसको बोले, कहते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को बोले हाँ ब्रजे मानस की सेवा मानस करीबा। अभी उसने मानस की सेवा करता है कैसे, रोज जाता है सोने की कलश लेकर गंगा से पानी लाता है, ला करके ठाकुर जी को पंचामृत से दूध दही शक्कर से भगवान को लक्ष्मी नारायण को सेवा करता है। बड़े सुंदर मन मन में रत्न सिंहासन है, पैसा तो पड़ेगा नहीं लगेगा नहीं, सोने के सिंहासन में लक्ष्मी नारायण को बैठा करके एकदम बड़े सुंदर मखमल बल कपड़ जिसमें सोने की जरी की एम्ब्रॉयडरी की काम है, बड़े सुंदर ठाकुर को कपड़ा पहनाता है, गले में सुंदर फूलों की माला पहनाते हैं, मुकुट पहनाता है, और रोज रोज ठाकुर जी को छापान भोग 36 व्यंजन बना करके ठाकुर जी को सामने धर देता है और लक्ष्मी नारायण को सेवा करता है। देखो ये सेवा करते 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 इतने अभिष्ट हो गया, एक दिन इतने अभिष्ट भक्ति में हो गया ना, सोचा आज ठाकुर जी को है ठाकुर जी को एकदम प्योर गैया के दूध में खीर बनाऊंगा और जिसमें काजू पिस्ता डाल करके मिश्री डाल करके घी डाल करके और भगवान को सोने की कटोरी में ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। अभी बड़े सुंदर खीर बनवाया, अभी खीर बना करके ठाकुर को सामने धर दिया, लेकिन नियम क्या है ऐसे एकदम गर्म गर्म चीज होगा लाओ और ठाकुर को सामने दे दो नहीं, अगर ठंडा का समय हो ना जैसे ठंडा का समय में हमें गर्मी चीज अच्छी लगती है, लेकिन गर्मी समय में ठंडा चीज अच्छी लगती है, ऐसे नहीं पूरा के पूरा उठाया एकदम गर्म गर्म लाए और ठाकुर को सामने धर दिया नहीं, ये अपराध है। इसलिए कम से कम उनको थोड़ा ठंडा कर दो, थोड़ी सी पानी डाल करके चार तरफ में ये कटोरी को थोड़ा ठंडा कर दो, है ठंडा करके ठाकुर को भोग लगानी चाहिए। लेकिन अभी उन्होंने एकदम उतारा सोने की कटोरी में रखा, सोचा ये ठंडा ना गर्मी है, है? ये ठंडा ना गर्मी टेस्ट करूँ, उसने अंगुल डाला, अंगुल डालते अभी अभी उन्होंने उतारा था, है अभी अभी उतारा अंगुल डाला तो एकदम खीर था गर्मी, अंगुल डाला तो एकदम जल गया हाथ, वो एकदम ध्यान में बैठा हुआ था, इतने में उसका आंख खुल गया, कुछ तो है नहीं मानसिक सेवा कर रहा था, मतलब ये मानसिक सेवा करते करते उसमें कितने जीव कितने आविष्टता आ जाते, कितने आविष्टता आ जाती मानसिक सेवा में, है इसलिए मैंने देखा मेरे गुरु जी को, मैं गुरु जी को अब मैं तो नया नया आया था, मैं छोटा बच्चा था, कहते 14 साल में आ गया, छोटा बच्चा था अभी मैं, मेरे को इतना पता ही नहीं ये मानसिक सेवा। मैं देखता था गुरुदेव एक चेयर के ऊपर बैठे हुए थे, शाम को बैठ कर कभी कभी गुरुदेव का हवा करते थे, हैं गुरुदेव जब बैठते थे गुरुदेव का हवा करते थे, तब हवा करते थे गुरुदेव बैठ करके, हैं मैं तो टगोपनाथ में गया ठाकुर जी को प्रणाम किया, फिर मैंने चटक पर्वत में गया प्रभुपाद को प्रणाम किया, फिर जगन्नाथ मंदिर में गए फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन देवी को दर्शन किया, फिर नरसिंह देव को प्रणाम किया, हैं फिर महाप्रभु का चरण चिन्ह को दर्शन किया, फिर प्रभुपाद का जन्म स्थान में गए वहाँ पर प्रणाम किया, फिर जगन्नाथ बल्लभ वाटिका में गए, फिर आई तोटा गुंडीचा मंदिर में गए, फिर गंभीरा में जाकर के महाप्रभु को प्रणाम किया, हरिदास ठाकुर का समाधि में गए,
उनके भजन कुटरी में गए। गुरुदेव ना ऐसे ऐसे बैठ बैठ करके पूरा वृंदावन धाम, नवद्वीप धाम, पुरी धाम में जितने स्थान है ना, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, ये सबके सबको महा गुरुदेव ऐसे बैठ करके मानसिक रूप में गुरुदेव सबको प्रणाम कर रहे थे। उस समय मैं नया नया था, मेरे को तो समझ में नहीं आता था गुरुदेव क्या गए, गुरुदेव तो यहाँ बैठ गए था है? मैं तो नया था ना, बोले गुरुदेव तो यहीं पर बैठ गए कहा गुरुदेव, इसलिए ऐसे गुरुदेव मानसिक सेवा में बैठ करके, हाँ ये नियम है। इसलिए हम रोज जो जय ध्वनि देते हैं ना, संख्या पूर्वक नाम गान नती भी, गोस्वामी लोग तो ऐसे ही भजन करते हैं ना, संख्या पूर्वक नाम, इतना हरि नाम करना है, हैं? गान गान मतलब रोज जो हम लोग भजन गाते हैं, नती भी मतलब हम को क्या करते थे, पूरा 1000 बार एक बार साष्टांग प्रणाम करेंगे, हैं? जैसे हम श्री श्री गुरु गौरांग अंतरिका गिरिराज राधा विनोद बिहारी की जय, पूरा एक बार साष्टांग प्रणाम, फिर खड़े हो जाते, फिर नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय, पूरा लेट जाते थे फिर खड़े हो जाते थे, फिर नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद श्रीमद भक्ति विदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय, पूरा लेट जाते थे फिर खड़े हो जाते थे। ऐसे उनने दिन में 1000 बार सारे धाम सारे वैष्णव का नाम को ले लेकर के ऐसे गोस्वामी लोग ऐसे भजन करते थे, ऐसे वो लोग भजन करते थे। इसलिए इसको मानसिक है, ये मानसिक सेवा भक्त लोग मानसिक, अभी उन्होंने जब उन्होंने अंगुल डाला उठा, गर्मी डालते ही ना अंगुल तो एकदम भोगला पड़ गया, जल गई, उनको ध्यान टूटा, तो मानसिक सेवा कुछ है नहीं लेकिन अंगुल देखा भोगला पड़ा हुआ। अभी किस चीज में अंगुल डाल दिया जब फोफला पड़ गई, फिर वो जो गर्म खीर ना वो हो गया अपवित्र, तो उसे अंगुल जल गई, वो अपवित्र हो गया। फिर ठाकुर जी को भोग लगाते लगा ध्यान टूट गई, वो भी ठाकुर को भोग नहीं लग पाया, बड़े दुखी होकर के रो रहा है, आज भगवान को मैंने खीर नहीं खिला पाया, रो रहा है। इतने में वैकुंठ में नारायण बैठ बैठ कर हंस रहे, इतने में मैया लक्ष्मी पूजा, प्रभु आप क्यों हंस रहे हो? बोले नहीं ऐसे कोई बात नहीं। बोले नहीं ऐसे थोड़ी मन मन में हंसोगे, जरूर कुछ तो सोचे होंगे तभी तो हंस रहे हो। तब उन्होंने नारायण ने सारी घटना सुनाई, ऐसे ऐसे मरते जगत में मेरा एक भक्त है, वो मानसिक सेवा करते करते गर्मी गर्मी खीर भोग लगाया, वो टेस्ट कर रहा था गर्मी ना ठंडा, उसका हाथ भोगला पड़ गया, इसलिए रो रहा है ठाकुर जी का, आज मैं खीर भोग नहीं लगा पाया। बोले ठाकुर जी ऐसे भक्त रहते मरते जगत में? बोले हाँ लक्ष्मी मरते जगत में मेरे कितने भक्त रहते। बोले ऐसे भक्तों को थोड़ा मेरे को दर्शन करा। बोले चलो हम तुमको दर्शन करा के आते हैं। फिर नारायण ने लक्ष्मी को गरुड़ में बैठाया, गरुड़ ऊपर बैठा करके उनको ले करके आए, सचमुच से देखा वो भक्त बैठ करके रो रहे थे। फिर ठाकुर जी भक्तों को लेकर वैकुंठ चले, भक्तों लेकर के वैकुंठ चले गए हैं। इसलिए भगवान की भक्ति इतने सरल है, अगर कुछ भी नहीं हो तुम्हारी पास में, अगर हम मन मन में भी कुछ दे दो ना, बस ठाकुर जी उसमें कुछ हो जाता, इतने सरल है। लेकिन कठिन से भी कठिन है भक्ति, सुदुर्लभा है, कैसे कि सुभदा बक्ष लघुता कीर्ति सुदुर्लभा, भक्ति दुर्लभ है और भक्ति सरल से सरल है। बोले सरल किसी के लिए और कठिन किसके लिए? बोले सरल उनके लिए जो सचमुच से निष्कपट होकर के सरल हृदय से केवल भगवान को रिझाने के लिए, उनकी प्रीति के लिए भजन करना चाहते, उनके लिए ये सरल से सरल है उनके लिए। बोले कठिन किसके लिए? बोले कठिन होने के लिए जो हृदय में जिनका कपट है, हृदय में जिनकी अन्याभिलाष है, जिनके हृदय में भक्ति छोड़ करके और कोई चीज की वासना, उनके लिए कठिन से भी उनके लिए कठिन है। इसलिए बोले भक्ति दुर्लभ, ये दुर्लभ नहीं भक्ति सुदुर्लभा, सुदुर्लभ भक्ति है, हैं? सुदुर्लभ भक्ति है। भक्तों का नाम लोगों तो गिनने पर हाथ में आएगा, कितने भक्त हुए हैं गिनने पर आएगा, कितने भक्त हुए हैं। इसलिए सरल से सरल और कठिन से कठिन ये भक्ति है। इसलिए कहते भक्त दुख प्रभु कभी सहित ना पारे, भक्त लागे सर्वत्र कृष्ण अवतार। इसलिए अगर हम भक्त बन जाए सचमुच से, सच हृदय से कपट रहित होकर के अगर हम भगवान को भक्ति करें, भगवान जल्दी से जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और भक्तों के लिए तो भगवान हर समय भक्तों को रक्षा करते हैं, जैसे प्रहलाद को भगवान ने रक्षा किया।
लेकिन भक्त बनना बड़ा सख्त है, भक्त बनना बड़ा सरल भी है और सख्त भी दोनों। इसलिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु हैं कभी कभी क्रोधित तो होकर के बोलते थे, जितने पाखंडी है उनका सार को मैंने छिड़, सार को मैंने क्या बोलते हैं हिंदी में, सर में सर को मैंने तो मोड़ दूंगा, इसलिए उनका सर को काट दूंगा जितने पाखंडियों को हैं, जितने बदमाशियों को। और कभी कभी महाप्रभु प्रेम में कभी हंस रहे तो हा 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 कर हंस रहे, कभी रो रहे तो कृष्ण विरह में रो रहे हैं, कभी मूर्छा तो महाप्रभु मूर्छा होकर गिर जाते हैं, कभी दांत को उन्हें कड़बड़ कड़बड़ करते हैं और उन्होंने कभी जमीन पर लौट पड़ जाते हैं। हाँ, इतने में अभी सची मैया, सची मैया बेचारी भोली भाली हैं, भोली भाली सची मैया, अभी मैया देख कर इतने दुखी हो गए, बोले हे भगवान पहले तो तुमने बेटे को ले लिया, किसको, विश्वरूप साधु होकर चला गया, पहले विश्वरूप साधु होकर चला गया, उसके बाद में बेटा को तुमने लिया, उसके बाद में उसका पिता भी, उनका भी स्वर्गवास हो गया, वो भी चले गए हैं, बाद में केवल एक निमाई मेरे पास में एक बेटा है और ये पता नहीं क्या कर रहा है, कभी हंस रहा है कभी रो रहा है कभी लौट बोट गा रहे, भैया तो बड़ी भोली भाली, इसलिए बोले क्या किया जाए हैं। कोई कहते देखो लगता है इसका कोई वायु का रोग हो गया है, वायु चढ़ गया सर पर, इसलिए क्या करो तेल लाकर ब्राह्मी तेल लाकर सर पर लगाओ। कोई कोई कहते हैं नारियल पानी पिलाओ है, नारियल पानी पीना शरीर ठंडा हो जाता है। अभी जो कुछ बोलते हैं ना मैया वही करती है, है? वही करती है ला करके निमाई को है। इसलिए कोई कहते हैं देखो उनको बांध करके रखो, पता नहीं ये क्या क्या करता है, है? कहते शिवा घृत तैल उसको सर पर लगाओ और उनको अच्छे तरह से स्नान कराओ, अभी जो बोले वही करती है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, श्रीवास पंडित घर में आए, तो श्रीवास पंडित घर में आए हैं, अभी श्रीवास पंडित को देख करके महाप्रभु ने उनको प्रणाम किया, महाप्रभु ने तुलसी परिक्रमा की हैं, अभी भक्तों को देख करके उनके अंदर सात्विक भाव प्रकट हुआ। और इतने में महाप्रभु कृष्ण विरह में महाप्रभु रो रहे थे हैं, इतने में रो रहे थे, अभी इतने में मैया सचिन ने श्रीवास पंडित को बोला, बोले श्रीवास देखो मेरे निमाई पंडित को किया, निमाई का क्या हो रहा है। लेकिन कहते जोहरी, जोहरी जी ने, जोहरी मतलब होते जो सोनार होते, जो सोनार होते हैं ना, हीरे को कौन पहचान सकता है, सोने को कौन पहचान सकता है, वो सोनार पहचान सकते हैं, सब नहीं पहचान सकते। इसलिए बोले भक्त चिंतन नारे देवरे सकती, कहते साधारण व्यक्ति की बात छोड़ दो, भक्तों को देवता लोग भी भक्तों को नहीं पहचान पाते हैं। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं मुई को न जान है अति मूढ़ मति, जब वैष्णव को देवता लोग भी नहीं पहचान सकते हैं, भैया हम तो मूर्ख आदमी, मैं क्या भक्तों को पहचानूंगा है, मैं क्या पहचानूंगा। इसलिए गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, बंसीदास बाबा जी महाराज, इनको तो कोई देखेगा तो पागल ही समझेगा, उनका मूर्ति देखो कैसे पागल जैसे बैठे हुए। सुखदेव गोस्वामी जब कृष्ण प्रेम में नृत्य करते हुए जा रहे थे, बच्चे क्या करते, धूल झोंक रहे थे, बोले ये पागल है नंगे धड़के कहाँ जा रहा है। और उसी समय इसलिए भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं हमारे विषय पागल बोलिया अंगे ते दिवे को भूली, ऐसे कब होगा मेरे को सब विषय पागल बन के बोल करके हमारे शरीर में धूल झोंक गई है भक्ति मनोहर ठाकुर। इसलिए जब उनने श्रीवास पंडित ने देखा, श्रीवास पंडित कौन है, ये कौन है श्रीवास पंडित, कौन है, कहते श्री नारद है, ये श्री नारद है श्रीवास पंडित। लेकिन उन्होंने जब उन्होंने देखा, देख करके पहचान गए हैं, ये पहचान गए नारद जी, अरे बाबा रे ये सबके सब, ये तो महाभाव का प्रकाश है, कृष्ण प्रेम का प्रकाश है। लेकिन मैया सच ने जब ये सब बात को बोले है ना, हैं जब बात को बोले, इतने में श्रीवास पंडित कह रहे हैं हाँसी बोले श्रीवास पंडित भाल भाई, हाँ श्रीवास पंडित बोले ये बढ़िया बीमारी है, भाल भाई मतलब होता है जो कहते भाई चढ़ गया, कहते भैया ये तो बहुत बढ़िया अच्छी बीमारी है, तुम्हार जेमत बाई तहा आमी चाहिए, कहते भैया ये जो रोग है ना ये बीमारी मैं भी चाह रहा हूँ,
अरे मेरी बात छोड़ दो, जिस ब्रो के लिए ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद भी ये प्रेम के लिए तरसते हैं, ये तो बढ़िया अच्छी प्रेम है। इसलिए महाभक्ति जगो देखी तुम्हार शरीरे श्री कृष्ण अनुग्रह अल तुम्हारे, इसलिए तुम्हारे अंदर में जो ये चिन्ह है महाभक्ति का लक्षण ये है, हैं? लगता है तुम्हारे ऊपर में भगवान की कोई विशेष प्रेम है, हैं? बड़ी प्रेम है। इतने बोलते ही है ना, इतने में महाप्रभु ने श्रीवास पंडित का आलिंगन किया। श्रीवास पंडित का आलिंगन किया, बोले श्रीवास अगर तुम भी बोल देते ना मेरे मेरे हाँ ये वायु का रोग है ना, आज तो मैं सीधा गंगा में प्रवेश कर देता। साधारण लोग तो पहचान नहीं पाए, अगर तुम अगर ऐसे ही बोल देता हाँ इसको भी वायु रोग, बता दी प्राणी त्याग कर दिया, अच्छा तुमने मेरे को बचा दिया है, हैं? ब्रह्मा शिव वांछय मां के सांत्वना, इसलिए इतने में श्री हैं कहते इतने में श्रीवास पंडित हैं, अब इतने में श्रीवास पंडित भैया सची को कह रहे, बोले देखो ये बात किसको बताना नहीं, ये बताने का बात नहीं, लगता है भगवान की कोई विशेष लीला होने वाली, चुप रहो ये महाप्रेम के लक्षण है, हैं? लगता है भगवान की कोई विशेष लीला होगा, हम सब लीलाओं को दर्शन करेंगे, लगता है ठाकुर का कोई विशेष कृपा होने वाले, ये बात का ऐसे किसको बोलना नहीं। तो प्रभुपाद यहाँ पर विभिन्न शास्त्र से प्रमाण को देकर कह रहे हैं, कहते सुतासर उपनिषद भागवत में मुंडक उपनिषद में क्या कहते हैं, बोले जम बैस विरणुते तेन लभ्य तस आत्मा विवृणित तन स्वा, इसलिए कहते भगवान को कौन पहचान सकते हैं, हैं कौन, बोले भगवान को कौन पहचान, सही जाने जा रहे देव जनाए, उनको वही पहचान सकते हैं भगवान किसको कृपा करके जनाते हैं, जाना थी तत्व भगवत महिमा नचान चिरपि चिरम चिरम विचिन्न, इसलिए यहाँ पर श्लोक देते हैं, अथापि देव बदा भोज दय प्रसाद लेसान गृहित एव हि जानाति तत्व भगवत महिमा नचान चिरपि चिरम विचिन्न, इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं जिसको पर भगवान कृपा हो वही व्यक्ति ही उनके तत्व को जान सकते हैं। सब नहीं जान सकते वो तत्व को, हैं? सब नहीं जान सकते, क्यों, ब्रह्मा स्वयं के भैया मैं ही नहीं पहचान सका, हम मैं ही उनको पहचान नहीं सका, साधारण व्यक्ति की बात क्या है उनको पहचानना, इसलिए कोई चिंता मत करो, हैं? चलो हम सब के सब कीर्तन करते हैं, भगवान की कोई विशेष कृपा होने वाले नवद्वीप में बड़ा सुंदर ठाकुर का लीला दर्शन करने को मिलेगा, क्या महापुरुष लीला करते हैं, फिर हम कथा को फिर कल सुनेंगे, ठीक है, इताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल, बोलो सचिनंदन गौर हरि की, हरे कृष्ण, पंडित लोग सबके सब आरती में आना, एक दिन आरती आओ तो दो दिन नहीं, दो दिन आओ तीन दिन नहीं, हर कोई आते हैं क्या करते हैं, फिर गेट को बाहर खड़े रहते हैं, खड़े होकर के वहीं से पर चले जाते हैं, देखो कहते ना तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी काल, इसलिए कहते वृंदावन में रहकर भजन करनी चाहिए, ये तुलसी परिक्रमा होती है ना उसमें जो गुरुदेव कहते थे उसमें जो कीर्तन है वो ऐसे एक कीर्तन है, गुरुदेव कहते एक कीर्तन से पूरा वृंदावन धाम परिक्रमा, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय भावर कैसी घाट बंसी भट द्वादश गना जहाँ सब लीला कैले श्री गुरुदेव कहते थे एक ऐसे कीर्तन है पूरा एक कीर्तन से पूरा वृंदावन परिक्रमा हो जाता है, गुरुदेव कहते तिष्ठन ब्रज वृंदावन में रहकर भजन करनी चाहिए, वृंदावन में रहेंगे कैसे, जैसे भावना हो वैसे रहेंगे, इसलिए तुलसी परिक्रमा परिक्रमा नहीं हुआ वो गेट से उसे चले गए, सब गुरुवर किसी ने फिर दिया होता किसके लिए बाहर लोग, इसलिए ऐसे नहीं, फिर क्या होता है फिर सबके सब चले जाते दो चार व्यक्ति रह जाते, ठीक है, इसलिए कोशिश करो आरती में आने के लिए परिक्रमा हो जाए उसके बाद में फिर उसके बाद में जय दुर्गे हो जाए, फिर तो एक घंटा सुबह एक घंटा समय पूरा कि पूरा एक घंटा समय, ठीक है ना, इसलिए आरती सबके सब आना, गुरुदेव तो बहुत नाराज होते थे आरती में, गुरुदेव देखो एक चीज समझो, गुरुदेव कहते आठ जाम है, गुरुदेव कहते कितना जाम है, आठ जाम है, मतलब 24 घंटा को
आठ भाग में विभक्त किया है। इसलिए जो पहला जो जाम है निशांत, कौन सा निशांत, निशांत मतलब क्या, ये पहला जाम शुरुआत यही से होता है, ऐसे मतलब जो आठ जो पीरियड उन्होंने बनाए, 24 घंटा का आठ पीरियड बनाए, आठ पीरियड का जो पहला पीरियड निशांत, निशांत मतलब क्या, नई से मतलब होता है अंधकार, अंत मतलब खत्म हुआ, जहाँ पर अंधकार खत्म हुआ है, तो अंधकार खत्म हुआ तो क्या होगा, लाइट आएगा, लाइट आएगा ना, इसलिए उसको कहते हैं निशांत। इसलिए कहते कहते ना क्या क्या भजन गाते हैं, अरे क्या निशांत लीला मंगल उदय है, निशांत लीला मंगल उदय, हाँ क्या मंगल निशांत लीला मंगल उदय, इसलिए कहते हैं निशांत लीला। ये सवेरे अभी राधा कृष्ण सो रहे थे, अभी उठे हैं, अभी उठे, अभी ये निशांत अंत हुआ है, मतलब रात अंत हुआ है। कहते ये भजन का पहले, जब नैस अंत होगा तभी तब आलोक आएगा, अगर 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 तुम अंधकार ही रहेगा फिर लाइट ही आएगा, तो जीवन में गुरुदेव कहते थे। इसलिए जो मंगल आरती से ही ये लीला यहीं से शुरू हुई, जो अष्ट जाम लीला है ना, भक्त लोग बैठ कर जो आठ पीरियड चलता है, ये खत्म शुरुआत होता है पहले सवेरे से। अगर तुमने शुरुआत मंगल आरती में नहीं आया, गुरुदेव फिर भजन क्या, भजन भजन नहीं डोंगी। इसलिए गुरुदेव स्वयं देखते थे पीछे खड़े होकर के, कौन मंगल आरती में आया और कौन नहीं आया, नहीं आया तो गुरुदेव पानी डाल देते थे उसको ऊपर, गुरुदेव पानी डाल देते थे। इसलिए इसको में नियम है, क्या नियम है, बस मंगल आरती में नहीं आएगा प्रसाद बंद है, बस पूरा का पूरा एक दिन में टाइट है। इसलिए अगर नहीं तो इतने बड़े बड़े संस्था नहीं चलेगी, संस्था चल ही नहीं सकती, एक को देखकर दूसरे सोते हैं, दूसरे तीसरे सोते हैं, इसलिए इसको में किसको बोलने का जरूरत नहीं, प्रसाद ही बंद उसी दिन आरती में नहीं आएगा, एक दिन में सबके सब टाइट हो जाते हैं, बोलने का जरूरत नहीं, अपने अपने आप आएगा। इसलिए नहीं तो बड़े बड़े उनको कितना इस्कॉन का कितना मंदिर, पृथ्वी में सबसे ज्यादा मंदिर उनका है, सबसे ज्यादा मंदिर उनका इस्कॉन पर, और सारे मंदिर में जाओ मंगल आरती के समय में सबके सब तिलक लगा करके सबके सब मंगल आरती में सबके सब खड़े हो जाते हैं, क्यों पहले से ही टाइट है, प्रसाद एक दिन बंद हो गया तो अपने आप टाइट है, नहीं तो ये मंदिर नहीं चलेगा, ये मंदिर नहीं माठ बन जाएगा, मठ नहीं ये माठ बन जाएगी, है खाने पीने का अड्डा खाना बनेगी, कुछ नहीं बनेगा। इसलिए कोशिश करना सबके सब मंगल आरती में आओ, उसके बाद में एक घंटा टाइम दिया जाता है, नहाओ पाओ जो कुछ करना उस समय एक घंटा करो, उसके बाद में आकर बैठो, कम से कम देखो सवेरे का जो प्रोग्राम है ना सबसे टाइट प्रोग्राम है, हैं सवेरे का प्रोग्राम हो गया तो जब चाबी दे दिया ना घड़ी में, जैसे चाबी दे दिया अभी 24 घंटा काम करेगा, सकाल का प्रोग्राम इतने अच्छा है, देखो 4 बजे उठना पड़ता है, 5, 6, 7, 8, 9 पूरा 5 घंटा पूरा के पूरा उसमें 5 घंटा उसमें लगाता है। इसलिए कोशिश करना सबके सब मंगल आरती में आए, उसके बाद में 1 घंटा मेरे समय मिलता है जो कुछ करना जो कुछ जाकर करो, ठीक है कोशिश करना, नहीं तो फिर वो मठ नहीं रह जाएगा। बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे I'm gonna go to the
सपा प्रभुपाद जय मिताई गौर प्रमाण।